दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, केदारनाथ की यात्रा फिर से चालू हो चुकी है, जिसमें ना कोई डर ना कोई खतरा है। देख सकते हो आप लोग कैसे जोर और शोर से यात्रा चल रही है। तो आपको इस ब्लॉग को पूरा देखना है, आपको इस ब्लॉग के माध्यम से पूरा दिखाई देगा। दोस्तों राम राम, आपका स्वागत है राहुल ब्लॉग एक्सपल वन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि केदारनाथ की यात्रा फिर से चलने स्टार्ट हो गई है, तो आप पहले तो ये वीडियो क्लिप देख लो आप, और एंड तक ये वीडियो पूरी देखना, आपने फुल वॉच करनी है, और एक लाइक और एक सब्सक्राइब। मतलब केदारनाथ में इतने यात्री पहुंच चुके हैं अभी तक, और बरसात का कोई डर नहीं है अब, क्योंकि अक्टूबर का लास्ट मंथ लग चुका है, यात्रा का लास्ट मंथ, और भक्त पूरे जा रहे हैं मंदिर में, तो आप भी दर्शन कर सकते हो। अभी टूट फूट का डर उतना नहीं है, बस छोटे मोटे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, ज़्यादा डरने की बात नहीं है उसमें। तो अभी फुल यात्रा चल रही है। तो ये ब्लॉग मैंने कहीं से निकाला था बस आपको दिखाने के लिए। इस वीडियो को जरूर से जरूर आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है, और जिसका ये चैनल है उसको भी आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, मेरी आपसे ये विनती है। तो अब इस वीडियो को फुल वॉच करना। जय श्री केदार, हर हर महादेव। कैसे आप सभी दोस्तों, आज है 24 सितंबर और आप सभी को श्री केदारनाथ यात्रा से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं। जैसे कि इस समय केदारनाथ धाम में मौसम कैसा है, भीड़ कैसा है, घोड़े खच्चर पालके पिट्ठू एवं टैक्सी को लेकर क्या अपडेट है, साथ ही सभी यात्रियों को दर्शन किस प्रकार प्राप्त हो रहे हैं, इन सभी से रिलेटेड सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही श्री केदारनाथ यात्रा से जुड़े हर रोज लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केदार घाटी के मौसम के बारे में। तो आप सभी देख सकते हैं आज सुबह का ताज़ा दृश्य, देख सकते हैं केदार घाटी का मौसम खुला हुआ है। और वैसे मौसम विभाग के तरफ से ये अलर्ट जरूर था कि 23 और 24 सितंबर को हल्की हल्की बारिश केदारनाथ धाम में जो है हो सकती है। तो दोस्तों, आज अगर मौसम शाम तक पूरी तरह से साफ रह गया तो कल जो है 25 सितंबर से मानसून का पूरी तरह से विदाई हो जाएगा, और उसके बाद आगे आने वाले दिनों में बारिश का कोई भी खतरा नहीं रहेगा। तो फिलहाल केदार घाटी में आज का सुबह मौसम देख सकते हैं खुला हुआ है। अब देखते हैं शाम तक बारिश होती है या नहीं। तो जो भी बारिश को लेकर परेशानी होगी वो आज लास्ट ही रहेगी, उसके बाद अब केदार घाटी का मौसम पूरी तरह से खुल जाएगा और मानसून का भी विदाई हो जाएगा। वहीं दोस्तों, अब नंबर 2 अपडेट में बात करते हैं इस समय यात्रा मार्ग का करेंट सिचुएशन क्या है, और घोड़े खच्चर पालकी पिट्ठू व टैक्सी को लेकर क्या अपडेट है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय केदारनाथ यात्रा मार्ग पूरी तरह से खुला हुआ है, और इस समय टैक्सी भी सभी यात्रियों को मिल जा रही है, साथ में घोड़े खच्चर पालकी पिट्ठू सभी सुविधाएं भी चालू है। 22 सितंबर को जो जंगल चट्टी के पास जहां बॉस आउट 15 मीटर मार्ग हुआ था, वहां पर मार्ग भी बना दिया गया है। अब यहां से जो है घोड़े खच्चर पालकी पिट्ठू सभी चीज़ें गुजरने लगी है। तो इस समय केदारनाथ यात्रा पूर्ण रूप से सुचारू है और सभी सुविधाएं यात्रियों को मिल जा रही है। तो अगर आप सभी आने वाले दिनों में यात्रा पे आ रहे हैं तो अब किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप सभी पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो भी बड़े आराम से कर सकते हैं, साथ ही घोड़े खच्चर पालकी पिट्ठू भी आप सभी को मिल जाएगी। वहीं दोस्तों, अब नंबर 3 अपडेट में बात करते हैं आखिर इस समय केदारनाथ धाम में क्राउड कितना है। तो दोस्तों, इस समय जो है यात्रा पीक सीजन पे चल रहा है, और केदारनाथ धाम में जो है सबसे ज़्यादा तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं, और इस समय दैनिक योग जो है करीब करीब 8000 यात्री का चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस समय 8000 यात्री प्रतिदिन बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं, और बहुत ही बड़ी संख्या में अब जो है केदार घाटी जो है भक्त लोग पहुंच रहे हैं। इस समय दर्शन के लिए जो कतार है कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर फिर से लग जा रहा है, और वेटिंग टाइम दर्शन के लिए, नॉर्मल दर्शन के लिए 1.5 से 2 घंटे तक चला जा रहा है। तो इस समय क्राउड बहुत ही ज़्यादा केदारनाथ धाम में बढ़ गया है, और इस समय जो है दर्शन जो है सभी को गर्भगृह में प्राप्त हो रहे हैं। अभी तक जो है गर्भगृह में दर्शन बंद नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आगे आने वाले दिनों में जो भी केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हैं अब जो है उन सभी को नॉर्मल दर्शन के लिए कम से कम 2 घंटे इंतजार करना ही पड़ेगा, और आप सभी को गर्भगृह में दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। वैसे इस समय केदार घाटी का माहौल पूरी तरह से बदल गया है, चारों तरफ जो है यात्री भरे रहते हैं। शाम में जो है आरती के समय भी मंदिर परिसर पूरा यात्रियों से भरा हुआ रहता है, टेंट होटल सभी चीज़ें फुल होने लगी है। तो अब जो है यात्रा अपने पीक सीजन पे चली गई है। तो अगर आप सभी इन दिनों यात्रा पे आ रहे हैं तो अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मौसम को लेकर, ना ही दर्शन बंद होंगे, और ना ही टैक्सी सेवा, ये सब चीज़ें बंद होने वाली है। तो इस समय यात्रा आप सभी का बेहद ही सफल रहेगा,
साथ ही क्राउड थोड़ा ज्यादा जरूर है, लेकिन मई और जून महीने की अपेक्षा बहुत ही कम है, तो क्राउड को लेकर भी आप सभी टेंशन ना ले। इतनी बड़ी धाम है और इतने यात्री अगर आते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी मई जून की अपेक्षा एक चौथाई यात्री ही आ रहे हैं, तो आप सभी क्राउड को लेकर किसी भी तरह का टेंशन ना ले। क्राउड है तो यात्रा मार्ग में भी यात्री आप सभी को मिलते रहेंगे, साथ ही धाम का रौनक भी बिल्कुल खूबसूरत दिखता है। तो आप सभी अब यात्रा पर आ रहे हैं तो किसी भी तरह का टेंशन ना लीजिए। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। केदारनाथ यात्रा पूर्ण रूप से सुचारू है, अब किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री केदार, हर हर महादेव।